हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम साइंस स्किल है। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का part-5 का ऑब्जेक्टिव, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पार्श्व द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान कितना होता है, यानी कि हमें टाउ का वैल्यू चाहिए। तो इसका राइट आंसर करेंगे एम क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक होगा वो मात्रक होगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन का फार्मूला क्या है, न्यूनतम विचलन के लिए जो शर्त है वो एन प्लस वन इंटू ए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो अगर जितने समय में अगर वो रेडियो एक्टिव की पदार्थ की धातु अगर आधी हो जाती है उसको बोलते हैं अर्धायु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वो है हीरा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेश का वैल्यू दिया है +10 माइक्रोकूलम एंड दूसरा का वैल्यू दिया है -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं, परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से निकालिएगा तो ऑप्शन आएगा 2.25 जूल, यानी कि एक न्यूमेरिकल्स है फार्मूला यूज करेंगे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसका यूज कीजिएगा, दो आवेश दिया हुआ है बटा में R स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो आंसर आएगा 2.25 जूल। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो सूर्य का जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है वो रैखिक होता है, रैखिक लीनियर। नेक्स्ट है, आयाम मॉड्यूलेशन का हम सूचकांक कितना होता है, तो ये बहुत बार हम लोग इस पार्ट्स जो फिजिक्स वाले जो वीडियोस दे रहे हैं प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 0 से 1 होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो V²R होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर है, एक का क्षमता +5 डायोप्टर है, दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किसके लिए किया जाता है, आंख में किस दोष को दूर करने के लिए, तो एस्टिगमेटिज्म एक रोग है आंख का, उसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर आवेश +Q है रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा Q/ε0 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से जो फार्मूला होगा वो n² समानुपाती होता है BH का व्युत्क्रमानुपाती का, यानी कि n का वर्ग जो होता है वो BH के व्युत्क्रमानुपाती होता है, n² डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश के किसके कारण रंग आता है, तो इसकी आवृत्ति के कारण, प्रकाश में आवृत्ति के कारण उसका कलर का पता चलता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होते हैं, तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र बिल्कुल गोलाकार होते हैं, और हम पढ़े हैं कि गोलाकार भी होते हैं, बेलनाकार भी, समतल भी होते हैं, लेकिन अगर परिमित दूरी हो यानी कि दूरी हमेशा बराबर हो तो वो होता है गोलाकार में। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ी जाए तो उनकी सममित शक्ति कितनी होगी, तो दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आंसर टिक कीजिएगा 100 वाट, बिल्कुल सीधा सीधी जोड़ देते हैं 60 वाट और 40 वाट, आंसर आएगा 100 वाट। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के लिए प्राथमिक और द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो N2 ग्रेटर देन N1, N2 का वैल्यू N1 से ज़्यादा होगा। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल घटता है, यानी कि ताप को अगर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटना शुरू हो जाएगा। वैद्युत ध्रुव का निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कौन सा सही है, तो इसमें विद्युत ध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है कोई फार्मूला सही नहीं है, यानी कि उसका वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो LR परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है R/√R² + ω² L² होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया है म्यू का वैल्यू 1.5 को पानी का अपवर्तनांक दिया है 1.33 में डुबाया जाता है, तो यह किस लेंस का व्यवहार किया जाता है,
तो एक उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर ज़्यादा अपवर्तनांक वाले लेंस को अगर पानी में डुबाया जाए तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? तो ई क्रॉस बी के समांतर होती है, ऑप्शन नंबर डी। आदर्श एमिटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श एमिटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या है? तो माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, यानी कि यह है ऑब्जेक्ट का फोकस दूरी, ए होता है आईपीस का यानी कि नेत्रक का। डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई रहे वोल्टेज के बीच कालांतर अगर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? तो वाटहीन घटक निकालने के लिए साइन बाई कोस यानी कि ऑप्शन नंबर बी टैन में होता है, आई इंटू टैन फाई। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का वैल्यू क्या होगा? अगर विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो एच भी क्या होगा मेरा, हाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का अनुपात कितना होता है? तो वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का जो दोनों का रेशियो होता है 1/√2 होता है। लैम्डा तरंग धैर्य वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? तो इसकी होती है एच सी बाई लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक तार में एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है और इनका प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है तो आंसर करेंगे 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। यदि 100 वोल्ट के आवेशित तक आवेशित करने पर एक संधारित्र ऊर्जा संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 2×10⁻²⁺ फैराड। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है नमन कोण का वैल्यू ध्रुव पे, तो आंसर 90° परपेंडिकुलर होता है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? तो ए डॉट बी का बार बराबर वाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वाई बराबर ए डॉट बी का बार लिखा हुआ है, चाहे तो ऐसे भी मिलेगा ए डॉट बी का बार बराबर वाई, तो ऑप्शन नंबर वही होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड इस फिजिक्स की लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितने अधिकतम तक इसके टावर के प्रसारण कितना दूरी तक पहुंचेगा? तो राइट आंसर है 56 किलोमीटर, पिछले वाला पार्ट्स में भी किए हैं। दोस्त मेरे से बिल्कुल जुड़े रहे हैं, केमिस्ट्री मैथ्स और अन्य सारे सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।